सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है क्या कोरोना महामारी व इसके इलाज का उल्लेख तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में है या नहीं है। इस संबंध में सोशल मीडिया में किया जाने वाला दावा कितना सच है। तो अब हम शुरू करते हैं। कोरोना महामारी की भयावह स्थिति और बढ़ते हुए प्रकोप के साथ साथ इसके संबंध में एक दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस दावे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। दावा यह है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्षों पहले ही इस बीमारी का कारण, लक्षण और उपायों का उल्लेख रामचरितमानस में कर दिया था। वायरल दावे में कहा जाता है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 120 में लिखा है कि पृथ्वी पर निंदा, पाप आदि दुष्कर्म बढ़ जाएंगे, तब चमगादड़ अवतरित होंगे और उनसे संबंधित घातक बीमारी फैल जाएगी जिससे लोग मरेंगे, तथा दोहा संख्या 121 के अनुसार उस बीमारी का उपचार केवल प्रभु भजन, दान और समाधि में अर्थात लॉकडाउन में ही रहना है। जबकि वास्तविकता यह नहीं है, सच्चाई इस प्रकार है। दोहा संख्या 120 जो वास्तव में दोहा नहीं है, चौपाई है और वायरल दावे में इसका अर्थ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। यह चौपाई अर्थ सहित इस प्रकार है। सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होई अवतर ही। इस चौपाई का सही अर्थ इस प्रकार है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। वास्तव में रामचरितमानस की यह चौपाई गरुड़ जी द्वारा काकभुसुंडी जी को पूछे गए 7 प्रश्नों में से एक का उत्तर है। गरुड़ जी का प्रश्न था, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो काकभुसुंडी जी ने उत्तर दिया था, निंदा सबसे बड़ा पाप है और सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस चौपाई में कोरोना महामारी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसी प्रकार वायरल दावे में कहा गया है कि दोहा संख्या 121 में इस बीमारी का इलाज या उपाय बताया गया है और वह उपाय है प्रभु भजन, दान और समाधि में रहना, यानी लॉकडाउन में रहना। जबकि वास्तविकता यह नहीं है, दोहा संख्या 121 इसका अर्थ और इसका संदर्भ इस प्रकार है। दोहा है, एक व्याधि बस नर मरे ही, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़े ही सतत जीव कौ सो किमि लहे समाधि। इसका अर्थ है, एक ही रोग के वश में होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में समाधि अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करें? रामचरितमानस के इस दोहे का संबंध भी कोरोना महामारी से नहीं है। इस दोहे में काकभुसुंडी जी ने जिन रोगों के बारे में कहा है वे मानस रोग हैं, जैसे मोह, काम, लोभ, जलन, अहंकार, कपट आदि, न कि कोरोना महामारी। इन सब संदर्भों, प्रसंगों और व्याख्याओं के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी का संबंध तुलसीदास जी और रामचरितमानस से जोड़कर गलत व्याख्या करना अज्ञानता, अनभिज्ञता या अति उत्साह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही वायरल वीडियो के दावे संबंधी विवरण समाप्त हुआ।